In this video, we will discuss the topic inflationary gap. This is Keynesian theory of inflation, part three of six. Part one of is related with Keynesian view on inflation. Part two is related with demand pull theory of inflation. This is part three on inflationary gap. What is inflationary gap? According to Kurihara, Kenneth K. Kurihara was a distinguished professor of economic theory at the State University of New York, USA. According to Kurihara, an excess of anticipated expenditure over available output. एट बेस प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप जब जितना आउटपुट अवेलेबल मार्केट में हो उससे ज़्यादा खर्चा हो हो रहा हो या खर्चा होने की एक्सपेक्टेशन हो दैट इज़ नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप द टर्म इन्फ्लेशनरी गैप इज गिवन बाय केन्स इन 1940 इन हिज आर्टिकल हाउ टू पे फॉर द वॉर फर्स्ट टाइम ये दिया था 1940 में केन्स ने इस टर्म को इनका एक आर्टिकल था हाउ टू पे फॉर वॉर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई दिस इज मेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन रिकैप दिस गैप प्रोड्यूस इन्फ्लेशन दस इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी रिकैप इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है वैन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तब ही इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा अब आप देखो अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो दिस इज आल्सो गैप बट दिस इज़ नॉट इन्फ्लेशनरी गैप सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी ना कि ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो गैप होगा ये होगा डिफ्लेशनरी गैप और अगर मान लो एस इक्वल्स टू डी हो तो इसमें तो ये गैप है ही नहीं ज़ीरो गैप है सो so, ये भी इन्फ्लेशनरी गैप नहीं है ये तो गैप ही नहीं है दिस इज़ द इन्फ्लेशनरी गैप डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो ये जो डिमांड ज़्यादा है जितनी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से उतना इन्फ्लेशन होने का चांस है प्राइसेस बढ़ने का चांस है इसलिए हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्योंकि ये जो गैप है ये इन्फ्लेशन कर सकता है इन्फ्लेशन कर देगा तभी हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी दिस गैप प्रोड्यूस इनफ्लेशन टेरफोर इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप अब इस एग्जाम्पल के साथ डायग्राम के साथ इसको समझाया हुआ है सपोज करो नेशनल इनकम है एटीन हंड्रेड टोटल आउट कंट्री में जो इनकम है इसके ऊपर मान लो टैक्स लग गए फोर हंड्रेड लोगों के पास खर्चने के लिए जो इनकम है डिस्पोजेबल इनकम इट रिमेंट फोर्टीन हंड्रेड तो चौदह सौ रुपये लोगों के पास हैं जो टोटल आउटपुट है ग्रॉस नेशनल आउटपुट स्पोज इट इज़ फिफ्टीन हंड्रेड एंड फ्रॉम दिस आउटपुट वॉर परचेज़ मान लो गवर्नमेंट ने जो परचेज़ किया दैट इज़ थ्री हंड्रेड तो अवेलेबल आउटपुट फॉर पब्लिक दैट इज़ ओनली ट्वेल्व हंड्रेड तो जो लोग इनकम खर्चेंगे वो खर्चेंगे फोर्टीन हंड्रेड जो आउटपुट अवेलेबल है दैट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड तो जैसे कुरिहारा ने बताया था एंटिसपेटेड एक्सपेंडिचर फोर्टीन हंड्रेड एक्सेस ओवर अवेलेबल आउटपुट ट्वेल्व हंड्रेड एक्सपेंडिचर होगा सकता है चौदह सौ रुपए का फोर्टीन हंड्रेड का बट जो आउटपुट अवेलेबल है दैट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड सो टू हंड्रेड का जो ख़र्चा ज़्यादा शो हो रहा है ये डिमांड ज़्यादा शो करेगा सप्लाई से तो ये जो 200 का गैप है दैट इज़ नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप तो इसको हम इस डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लेट वी डायग्राम ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन ताकि आपको डायग्राम की जो डेरिवेशन है उसका डिटेल में पता चल जाए यू ऑल्सो ड्रा दिस डाइग्राम स्टेप बाई स्टेप विथ मी आप भी इस डाइग्राम को मेरे साथ बनाइए ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप इसका पूरा पता चल जाए कि कैसे बनानी है फर्स्ट इज द एक्सेस On horizontally, we are taking output or income. Vertically, we are taking aggregate demand and aggregate supply AD and AS. Now, on the 45 degree line, दिस पोस एग्रीगेट सप्लाई ये मान लो है एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस पोस एग्रीगेट डिमांड ए डी अब एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव क्यों है एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव क्यों है एग्रीगेट डिमांड थोड़ी सी कम क्यों है तो इसके लिए सारा केन्जियन अनालिसिस है केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके लिए हमने अलग से थ्री पार्ट्स बनाए हुए हैं वीडियो की केन्जिन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर यू कैन वॉच दोज वीडियोज फॉर डिटेल ऑफ दिस इनिशली

ए डी टू ए डैश अब अगर यहां पर ही रहे आउटपुट वाई वन पर ही रहे तो वाई वन पर अगर हम देखें जो एग्रीगेट डिमांड है दिस इज ए वाई वन और जो एग्रीगेट सप्लाई है इट इज ई Y1. तो जो ई वाई वन है उतना ही ओ वाई वन है क्योंकि जो 45 डिग्री पर है तो डिमांड है ए वाई वन बट आउटपुट है ओ वाई वन और यू कैन से ई वन वाई वन क्योंकि ओ वाई वन इज इक्वल टू ई वन वाई वन तो इतनी डिमांड ज़्यादा है ये जो डिमांड ज़्यादा है दिस पोर्शन दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप अब जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे सप्लाई को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी ये गैप कम होता जाएगा जैसे यहाँ पर ये गैप है इतना ए ई वन अगर हम थोड़ा सप्लाई को इनक्रीज़ कर दें मान लो यहाँ तक कर दें देखो तो ये गैप कम हो जाएगा पहले ये था ए वन अब इतना है और आउटपुट बढ़ाएंगे तो ये गैप और कम हो जाएगा इतना ग्रह देखो और यहाँ तक आकर ये गैप खत्म हो जाएगा एट दिस पॉइंट सपोज दिस इस पॉइंट ई टू यहाँ पर आकर क्या हुआ जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज ई टू वाई टू एंड एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो ई टू वाई टू सो हेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई नो गैप इज देयर. तो कोई गैप नहीं है कोई इन्फ्लेशनरी गैप नहीं है तो ये सारा पोर्शन हम बोल सकते हैं दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप पहले इतना है ए वन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है गैप कम हो रहा है तो यहाँ पर आकर ये डिसअपीयर हो जाएगा दिस वॉज अबाउट द इन्फ्लेशनरी गैप फॉर केन्ज इन व्यू ऑन इन्फ्लेशन फॉर डिमांड पुल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन फॉर डिमांड पुल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ आई एस एल एम फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ आई एस एल एम मस्ट वॉच अदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो Thank you. Thanks for watching this video.